भगत सिंह बाड़ में अड़ीबाजी कर पैसे की मांग करने वाले एवं फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त ICST कंप्यूटर सेंटर PGDCA DCA एवं MSC BCA सहित अन्य कंप्यूटर कोर्स के लिए प्रवेश प्रारंभ है। जल्द कीजिए, हमारा पता है हनुमान मंदिर के बाजू में, स्टेशन रोड बीना। बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत भगत सिंह बाड़ में घर में घुसकर अड़ीबाजी कर पैसे की मांग करने वाले एवं फायरिंग कर शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार भगत सिंह बाड़ में आरोपी रोहित अहिरवार उर्फ पार्ले पिता बाबूलाल निवासी शिवबाड़, रौनक पिता बबलू खड्डी निवासी मस्जिदवाड़ एवं नितिन सेन पिता कमलेश सेन निवासी शिवबाड़ ने फरियादिया के घर में अड़ीबाजी कर 1,00,000 रुपए की मांग कर मारपीट की और घर के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई। शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में SDOP नितेश पटेल व थाना प्रभारी अनूप सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस ने तीनों आरोपियों को धरदबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से देशी कट्टा व जिंदा कारतूस एवं घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि आरोपी रोहित अहिरवार पर पूर्व में हत्या के प्रयास सहित 6 अपराध एवं नितिन सेन के विरुद्ध 1 अपराध दर्ज है। कार्रवाई में सब इंस्पेक्टर लखनराज, प्रधान आरक्षक गौतम भट्ट, आरक्षक लोकेंद्र यादव, जहर यादव, प्रेमजीत जादौन, वीरेंद्र धाकड़, जितेंद्र जनवंशी, संदीप यादव, दलजीत, कमल पायक, सुभाष कुंवर सिंह आरक्षक चालक, दीप सिंह भदौरिया की अहम भूमिका रही। फरियादिया के द्वारा जो भगत सिंह बाट की रहने वाली है, रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26/8/24 को मेरे घर पर 3 आरोपी जिसमें रौनक खटीक, रोहित पारली और नितिन सेन एक मोटरसाइकिल से आए और घर के अंदर घुसकर की गंदी गंदी गाली दे करके रुपयों की मांग की, नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की और घर के बाहर फायर किया। बाद इन लोगों ने जाकर के मोहल्ले में कॉर्नर पर भी फायर किया, फायर करके भाग गए। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 522/24 धारा 119 206 308 351 3 5 BNS का दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान धन आरक्षक गौतम शर्मा को विवेचना दी गई। उनके द्वारा टीम बना करके लोग उनको तीनों आरोपियों को पकड़ा, आरोपियों से पूछताछ पर जुर्म स्वीकार किया एवं रौनक खटीक से जो घटना में प्रयोग किया गया एक देसी कट्टा 315 बोर एवं एक कारतूस जब्त किया गया। रोहित पारले के ऊपर पूर्व से गंभीर धाराओं के 6 अपराध पंजीबद्ध हैं, जो आदतन अपराधी है। नितिन सेन के विरुद्ध में 1 अपराध पंजीबद्ध है। नितिन सेन की मोटरसाइकिल घटना में युक्त हुई है, जिसको नितिन सेन की कब्जे से एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।